हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जो है कि ईवीएस का जो है कि एनसीईआरटी जो मेन मेन फैक्ट होते हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के यहाँ से प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के आपके पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। तो इसके पहले हम लोग लगभग 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उन एनसीईआरटी के फैक्ट्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और जो है कि एक आई बटन आएगी, वहाँ से या एंड स्क्रीन तक जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग यहाँ पे आज का चौथी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है कि बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। घरों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि श्रीनगर में घर कैसे थे और लद्दाख में घर कैसे हैं, असम वगैरह में घर कैसे होते हैं। तो इस तरह के जो कि प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी पर्यावरण कर रहे हैं और हम लोगों का टारगेट है 30 में 30 लाने का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे जो है कि अब तक हम लोग टोटल 9 चैप्टर को देख चुके हैं और यहाँ पर जो है कि आज 10वां चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है बोलती इमारतें, ठीक है। इमारतें भी बोलती हैं क्योंकि प्राचीन धरोहर है हमारी इमारतें और इन प्राचीन धरोहरों के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में गोलकोंडा किला के बारे में बात की गई है। कुछ बच्चे होते हैं जो घूमने जाते हैं गोलकोंडा किला और वहाँ पे जो जो लोग देखते हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर पूछा जाएगा गोलकोंडा किला कहाँ है तो आप क्या बताएँगे, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में, ठीक है। अब फिर कुचिपुड़ी पूछता है, वहाँ पे एक कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बात किया गया है तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और फिर मल्लापुरम जिले की बात की गई है उस कहानी में, तो मल्लापुरम जिला जो है केरल में है। और लकड़ी के चप्पल जो होते हैं दोस्तों उसको खड़ाऊ कहा जाता था, पहले के लोग इसको पहनते थे। जिस समय, अब तो नए नए डिज़ाइन के चप्पल, नए नए मटेरियल के चप्पल आ गए हैं, लेकिन उस समय जो है कि खड़ाऊ उपयोग किया जाता था। और जो मशक है दोस्तों, मशक में जो है कि पानी भरा जाता था। अब तो बहुत सारे पानी रखने के साधन हो गए हैं जिसमें आप अपने पानी को रख सकते हैं, लेकिन उस समय के समय एक मशक हुआ करता था जो चमड़े वगैरह का बनाया जाता था और उसमें जो है कि पानी भरकर रखा जाता था। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो है कि यहाँ गोलकुंडा किला है और इस गोलकुंडे किले के बारे में ही उस अध्याय में बात की गई है और ये गोलकुंडा किला आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मेन फैक्ट है इसको आप लोग याद करिए क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछते हैं। और जब सारा एनसीईआरटी हम लोगों का 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसके प्रश्न करवाए जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, गोलकुंडा किला हैदराबाद और कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, मल्लापुरम जिला केरल में है और लकड़ी के चप्पल को खड़ाऊ कहते हैं, मशक में पानी भरा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड में और अगले स्लाइड पर देखते हैं अगले प्रश्न कैसे बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगला चैप्टर है, ये अगला चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में सुनीता अंतरिक्ष में, ठीक है। ये 11वां चैप्टर है और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो सुनीता विलियम्स हैं उनके बारे में बात की गई है कि वो कैसे गई थी और कहाँ गई थी, इनके बारे में बात किया गया। तो ये है हमारी क्या सुनीता विलियम्स, इनको कौन नहीं जानता है। तो इनसे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो फैक्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम में इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, तो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, कथन ए। फिर उसके बाद देगा, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 350 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से गई थी, चाहे स्पेसशिप में गई थी, तो ये आपका बी। फिर उसके बाद, सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग देख पाती थी, ये मान लीजिए सी। और सन 1969 में, तो यहाँ पे जो करेगा थोड़ा सा चेंज कर देगा, 1970 कर देगा। बताओ इनमें से कौन कथन गलत है। तो इसी तरह के जो कि चारों प्रश्न आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो सुनीता विलियम्स कौन थी, एक अंतरिक्ष यात्री थी और सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 350 किलोमीटर, ठीक है, 350 किलोमीटर दूर, यहाँ किलोमीटर होगा दोस्तों, स्पेसशिप में गई थी, ठीक है। सुनीता अंतरिक्ष से भारत को भी और पाकिस्तान को भी, नेपाल को, और उस समय जब गई थी तो उस समय बर्मा था, अब उसका नाम म्यांमार हो गया, अलग अलग देख सकती थी। अंतरिक्ष से वो भारत को भी, पाकिस्तान को भी, नेपाल को, बर्मा को अलग अलग देख सकती थी, ये बात भी वहाँ पे है। सन 1969 में जो नील आर्मस्ट्रांग हैं,
चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी चैप्टर में बात की गई है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, थोड़ा सा वहाँ पे हिंट दिया गया कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले कौन व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और सुनीता विलियम्स दोस्तों वो जो 350 किलोमीटर दूर गई थी, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, तो इसको याद कर लेंगे और यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। हूबहू दोस्तों ये जो फैक्ट हैं जो बताए जा रहे हैं एकदम हूबहू ऐसे ही फैक्ट वहाँ पे फंसते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए अगला चैप्टर है 12 और ये 12वां चैप्टर है ख़त्म हो जाए तो इसमें दोस्तों ईंधन के बारे में बात की गई है कि अगर आपके पास जो ईंधन है वो कम संसाधन के रूप में प्राप्त है, ठीक है, तो इनका जो है कि कैसे आपको उपयोग करना है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलताएँ इसमें ईंधन के प्रति दिखाई गई हैं कि अगर आप गाड़ी या कोई भी ऐसे वस्तु यूज करें जिसमें फ्यूल या ईंधन का उपयोग हो रहा है तो उसमें बहुत सतर्कता से ईंधन को आपको यूज़ करना। अगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो जब बाइक का आप काम ख़त्म है, बाइक आप खड़ी कर रहे हैं चाहे ट्रैफिक में है, तो उस समय बाइकों को बंद कर देना चाहिए। इस तरह के फ्यूल से रिलेटेड यानी ईंधन से संबंधित बच्चों में संवेदनशीलताओं के बारे में इसमें बात की गई। फिर उसके बारे में दोस्तों जो कि ज़मीन से जो तेल निकाला जाता है उसके बारे में खूब प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको जो है कि ये फैक्ट जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है, ठीक है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। फिर जो तेल निकाला गया होता है दोस्तों वो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। पूछता है कि जो ज़मीन से तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है, तो गहरे रंग का, गाढ़ा और कैसा होता है, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली हुई छुपी होती है। बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों को अलग अलग, जैसे उसमें दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घुली मिली और उसमें छुपी होती हैं, उनको अलग अलग साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। जो गाढ़ा बदबूदार तेल होता है उसको क्या किया जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइनरी से उनको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और शुद्ध तेल आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तेल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तेल जो है कि केरोसिन के रूप में, डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, इंजन ऑयल के रूप में और हवाई जहाज़ों के लिए ईंधन के रूप में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। और ये जो ईंधन है दोस्तों पेट्रोलियम के रूप में मिलता है, उसका शोधन होता है यानी उसको साफ किया जाता है, तब जा करके कहीं आपको शुद्ध तेल मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों खाना पकाने के लिए LPG भी वहीं से प्राप्त होता है और मोम, कोल तार और ग्रीस भी यहीं से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो गाढ़ा बदबूदार तेल है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और उससे जो कि पेट्रोलियम जो मिलता है, पेट्रोलियम से हमको क्या केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए तेल भी वहाँ से प्राप्त होते हैं। और खाना बनाने के जो के लिए जो LPG होता है उसी पेट्रोलियम से क्या होता है, प्राप्त होता है। और प्लास्टिक और पेंट भी दोस्तों उसी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसमें इस फैक्ट में बात की गई है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। और इधर जो दोस्तों एक CNG के बारे में बात की गई है, उसी चैप्टर में एक बच्चे द्वारा बताया जाता है कि मैंने सुना है कि CNG से धुआं कम होता है और ये CNG जो होती है आपके लिए स्वच्छ ईंधन होता है और CNG का फुल फॉर्म भी खूब पूछा जाता है आपसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले फैक्ट पे, ठीक है। अगला चैप्टर है दोस्तों 13 नंबर और इस 13 नंबर में आपका खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि यहाँ पे ही घरों के बारे में बात की गई है कि लद्दाख वगैरह में घर कैसे होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों अगला चैप्टर है आपका बसेरा ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर रहने वाले लोग जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में खूब बात किया गया और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस फैक्ट में क्या कहा गया। एक गौरव जानी नाम का लड़का होता है जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं और ये अपने बाइक को लोनर कहता है, ठीक है, और ये घूमने जाता है मुंबई से लद्दाख और इसी के बारे में और इसी ये जो अपनी कहानी बताता है इस चैप्टर में और जो ये लोनर कहता है अपने गाड़ी को और लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। ये गौरव जानी इसका नाम होता है और ये कहता है कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ ये जो है लोनर मेरे साथ रहती है और लोनर अपने बाइक को कहता है और मुंबई से दिल्ली तक वो 1400 किलोमीटर दूर अपनी बाइक चलाकर जाता है।
और लद्दाख दोस्तों आपको पता है लद्दाख में बारिश जो होती है बहुत ही कम होती है, और लेह को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। जो लेह और लद्दाख है उसको हम लोग ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है। और लद्दाख में जब ये पहुँचता है तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसको जूले जूले कहते हैं, और जूले जूले का मतलब होता है नमस्ते। लद्दाख भाषा में जूले जूले का मतलब होता है स्वागत या नमस्ते, ठीक है। तो ये जाने के साथ ये होता है लद्दाख में। फिर वो आगे धीरे धीरे अपने बाइक से पहुँचता है, और आगे जब जाता है तो लेह और लद्दाख के घरों के बारे में वो बताया है कि वहाँ के जो लड़के थे वो सोच रहे थे कि हमारे घर ये चले। फिर एक लड़की होती है उसके जिद करने पर ये गौरव जानी उसके घर जाता है, और उसके घरों को जब देखता है तो उसके घरों के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। और वहाँ पे जो है कि दोस्तों लेह और लद्दाख के घरों के बारे में एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसका जो घर है कैसे होता है। तो लेह में घरों को दो मंजिला बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? दो मंजिल बनाई जाती है, एक ऊपर और एक नीचे। हमारे यहाँ भी इसी प्रकार के कुछ घर बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो घर बनाने के तरीके होते हैं कुछ अलग होते हैं। और देखिए भूतल में उनमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों को भंडार करने के लिए होता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है दोस्तों तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, जो नीचे खिड़की नहीं होती है और जो निचला घर होता है उसमें वो लोग जानवरों को रखते हैं और जो अपनी आवश्यक सामग्री है उसको रखते हैं। फिर उसके बाद जो अलग अलग जो मंजिलें होती हैं उनके घर में, उसको जाने के लिए लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती हैं। तो साफ साफ वहाँ पूछता है कि जो दूसरे या अगले घर होते हैं उसको जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी की सीढ़ियों का। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। जो उनका छत होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो ये छत होते हैं उनके, और छतों पे वो क्या करते हैं, उनका खास हिस्सा होता है उस पर गर्मियों के मौसम में कुछ फल और सब्जियों को सुखा कर रख लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में उनको थोड़ा सा नहीं प्राप्त हो पाता है, तो वो लोग स्टोर करके रखते हैं खाने के लिए। घर पत्थरों से बने होते हैं। घर किसके बने होते हैं? पत्थर से बने होते हैं, जिन्हें एक के ऊपर रख करके बनाया जाता है। वहाँ पे दोस्तों ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सभी पत्थरों से एक के ऊपर एक रख करके पत्थर वहाँ के लद्दाख के घरों को बनाया जाता है। इन घरों की दीवारों को मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी से और चूने से इन दीवारों को वो लोग क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। घर अंदर से एक छप्पर जैसा लग रहा था। उसका घर कैसा लग रहा था? छप्पर जैसा। इसमें ढेर सारी घास रखी हुई थी। वो जो छप्पर बना था दोस्तों, उनका घास वगैरह से वो लोग ढके हुए थे। एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तनों का उपयोग किया जाता था। जो सपाट उन लोगों का जो छत था दोस्तों, जैसे हम लोग अपने तरफ जैसे कहते हैं गाटर बल्ली पटरा इस तरह का, तो वो लोग भी क्या मोटे मोटे लकड़ियों का प्रयोग करके वहाँ पे वो लोग अपना छत समतल बनाते थे, ठीक है। तो ये था इसका जो है कि फैक्ट्स। और अगला चैप्टर देखते हैं, और अगले चैप्टर से क्या क्या प्रश्न आपके बनने वाले हैं। इसी चैप्टर में फिर दोस्तों बात की जाती है, जब वो आगे चलता है तो उसको चांगथांग इलाका दिखता है। गौरव जानी को चांगथांग इलाका दिखता है, और चांगथांग इलाका कहाँ है? लद्दाख में। और इसका मतलब होता है, चांगथांग का मतलब होता है जहाँ कम लोग रहते हैं उसी को चांगथांग कहते हैं, ठीक है। और वहाँ एक जनजाति रहती है जिनका नाम होता है चागम्पा जनजाति। और ये चांगपा जनजाति जो होते हैं दोस्तों बहुत ही घुमंतू होते हैं। वो अपने भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं कि उनको हरी घास कहीं पे मिल जाए, इसीलिए इनको घुमंतू कहते हैं। चागम्पा लोग जो कि एक खास तरह की बकरी रखते हैं दोस्तों, और उस बकरी के बालों से पश्मीना ऊन बनाया जाता है। और अभी इस पश्मीना ऊन के बारे में अभी आगे जो है कि आपको फैक्ट बताया जाएगा। और ये साल जो इससे बनाई जाती है, पश्मीना साल बनाई जाती है, और ये बहुत ही कॉस्टली होती है और बहुत इसको बनाने में समय लगता है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो चागम्पा लोग जो होते हैं जनजाति के, ये क्या करते हैं कि इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ये अपना सामान कहाँ लाद कर ले जाते होंगे, तो ये घोड़ों पर और याक पर यानी साढ़ पर लाद करके ले जाते हैं। और वो लोग जहाँ रहते हैं अपने टेंट को उन लोग रेबो कहते हैं। जो लोग चागम्पा लोग जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? रेबो। और जहाँ बकरियों को और भेड़ों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो वो देखिए जो चागम्पा लोग होते हैं बहुत घुमंतू होते हैं और हरी हरी घासों के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं। और इनका जो टेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेंट है, और टेंट में धुआं निकलने के लिए एक स्थान भी इनका छोड़ा जाता है।
और इनके टेंट को रेबो कहते हैं, और जहाँ भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हूबहू शब्दों सहित पूछे जाते हैं। और चलते हैं अगला, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पश्मीना साल है, पश्मीना साल से भी प्रश्न बनते हैं, और ये पश्मीना साल बहुत ही मशहूर है। और पश्मीना साल को बनाने के देखते हैं, छः स्वेटर को बराबर गर्मी होती है। अगर एक पश्मीना साल आपके पास है तो अगर आप सर्दियों में 6 स्वेटर पहनेंगे तो कहीं एक साल अगर पहन लेंगे तो वो आपके काम आ जाएगा, पूरा आपका ठंडी निकल जाएगा। ठीक है, इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से। ठीक है, ये जो पश्मीना साल होती है पहाड़ी बकरियाँ होती हैं उनके एक नस्ल से बनाया जाता है। ये जो है कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये जो बकरियाँ होती हैं खास तरह की, वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कितना -40 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल आ जाते हैं। जब ये 5000 मीटर की ऊंचाई पे जाती हैं तो वहाँ पे दोस्तों तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो उनके शरीर पे वातावरण अनुकूलित करने के लिए उनके शरीर पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल, देखिए जो बकरी के 6 बाल होंगे दोस्तों इतने पतले होते हैं कि हमारे मिलाने एक बाल के यानी बराबर होते हैं। हमारा एक बाल तो उसके 6 बाल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पूरा देखा गया, एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। देखिए, ये जो इतनी खासियत ये है कि ये पश्मीना जो साल होती हैं हाथों से बुनी जाती हैं, इनको मशीनों से नहीं बुना जा सकता क्योंकि हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर उनके 6 बाल होते हैं। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, खास प्रकार के बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे, यानी देखो टाइम कितना लगता है, 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना साल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली साल बुनती हो तो कितने दिन लगेंगे। अब देखिए, साधारण साल बनाते हैं तो उनको 250 घंटे लगते हैं। अगर वही दोस्तों डिजाइन वगैरह बनाए तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बाल होते हैं, इसलिए इसको हाथों से बनाया जाता है और ये विशेष कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। इनको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। तो इस तरह का इसका पश्मीना साल का फैक्ट है, इसको याद करेंगे। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात की गई है श्रीनगर के घरों के बारे में। फिर वहाँ से गौरव जानी क्या करता है, श्रीनगर के लिए निकलता है, और श्रीनगर में जाता है तो उसको कुछ अलग दृश्य उसको दिखते हैं। जो वहाँ पे झील हैं, झीलों में वो घर देखता है, और वे जो घर होते हैं वो किसके बनाए गए होते हैं, हाउस बोट बनाए गए होते हैं, बोटों के घर होते हैं यानी नाव के घर होते हैं, और उसके बारे में वो वर्णन किया। तो यहाँ पे देखते हैं श्रीनगर में कैसे घर होते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट कहाँ रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं, और हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से उनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। देखिए, जो लंबाई होती है वो 80 फुट तक होती है नावों की, और 8-9 फुट तक उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये फैक्ट एकदम हूबहू याद करेंगे कि पूछा जाता है कि कितना जो कि उसकी लंबाई होती है और उस कितने चौड़े होते हैं, तो 8-9 फुट चौड़े होते हैं और 80 फुट उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। उसके बाद बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे, ये जो डोंगे हैं पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे बने होते हैं। देखिए, जो श्रीनगर के लोग हैं वो क्या करते हैं, डल जो झील है, डल झील और झेलम नदी जो है वहाँ की, उसमें जो डोंगे होती हैं, और डोंगे एक प्रकार की नाय भी होती हैं, और इसमें बहुत सारे परिवार उस नदियों में ही रहते हैं, और उसमें डोंगों में भी अलग अलग कमरे बने होते हैं। जैसे हम लोग अपने तरफ समतल में घर बना करके अलग अलग कमरे रखते हैं, उसी प्रकार श्रीनगर में जो डल झील है उसमें जो लोग रखते हैं डोंगे में, उसमें भी अलग अलग कमरे होते हैं। फिर उस कमरों की कुछ खास पहचान होती है और उसमें कुछ डिज़ाइन भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जो हाउस बोट होता है दोस्तों, कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है। इनमें से एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद, देखिए जो जिग्सा पजल सा होता है इसे हम लोग ख़त्म बंद कहते हैं, और इसको जिग्सा पजल भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो है कि श्रीनगर के घरों की कुछ विशेषता है, इसको आप लोग देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब फिर दोस्तों यहाँ बात की गई है
घरों के बारे में, वो तो जो नाव पे लोग रहते हैं उसके बारे में बात की गई, फिर इधर जो है घरों के बारे में बात की गई है। तो पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं। ये अब दोस्तों किसके बारे में बात की गई है, कश्मीर के बारे में। अब श्रीनगर से सीधे निकल करके गौर जानी कश्मीर की तरफ जाता है, अब अपने घर की तरफ जाता है, तो इधर जो है कि आपको क्या मिलता है, कश्मीर मिलता है उसको। और वहाँ के जो गांव को वो देखता है, तो वहाँ पे भी देखता है कि उसके घर जो बनाए गए हैं वो पत्थर को एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इन घरों की छत ढलवा होती है। अब देखिए वहाँ के जो लद्दाख के घर थे वो उनकी घरों की क्या समानता थी, छत वहाँ क्या थे, समतल थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कश्मीर के घर होते हैं उनकी छत जो होती है वो ढलवा होती है। ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है, यहाँ जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी थी। देखेंगे यहाँ पे जो खिड़कियाँ थी वो खिड़कियाँ क्या थी, जालीदार बनाई गई थी, और ये खिड़कियाँ बाहर की तरफ क्या हुई थी, इधर देखेंगे तो ये डिज़ाइन जो है कि बाहर की तरफ उभरा रहता है, जिसको हम लोग डब के नाम से जानते हैं। किसके? डब से। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। जैसे हम लोग भी इस समय घरों में खिड़कियाँ बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ के जो कश्मीर के घर हैं वहाँ पे उभरी हुई खिड़कियाँ रहती हैं और जालीदार रहती हैं, जिसे हम लोग डब के नाम से जानते हैं। यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है, पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। यहाँ के जो पुराने घर हैं दोस्तों वो किससे बने थे, बने थे पत्थर से, ईंट से और लकड़ी से। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने। देखिए ये जो डिज़ाइन है इसको मेहराब कहते हैं। जो घर घर के जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ये खास करके एक डिज़ाइन होती है, इन डिज़ाइनों को क्या कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का एनसीईआरटी फैक्ट खत्म होता है। कुछ चैप्टर जो है कि बचे हैं 5 के, और उसके बाद जो है कि 3-4 में जो है बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं। मेन जो प्रश्न है उनको करवा दिया जाएगा, जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब जो है कि मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।